फ्रेंड्स, मोदी सरकार देश में लगातार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की कोशिशें कर रही है। उसी के तहत मोदी सरकार ने साल 2017 में इंडियन मिलिट्री के द्वारा यूज किए जाने वाला डोर्नियर 228 को कमर्शियल करने का फैसला लिया था, जिसके तहत मोदी सरकार का ये टारगेट था कि देश के छोटे एयरपोर्ट्स को जोड़ने के लिए और लो बजट वाले यात्रियों के लिए हवाई किराए को कम से कम किया जाए, ताकि वे लोग भी हवाई यात्राएं कर पाए जो अभी तक केवल सपना ही देखते थे। इसी के तहत मोदी सरकार ने डोर्नियर 228 को आम पब्लिक के लिए भी शुरू करने का फैसला लिया था। हालांकि सरकार की तरफ से इस मामले में सही से प्लानिंग ना होने के कारण डोर्नियर 228 का प्रोजेक्ट आम लोगों के लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, लेकिन सरकार अब इसके लिए रिस्ट्रक्चर करने की प्लानिंग में है, जिससे कि डोर्नियर 228 की सवारी आम लोग भी कर पाए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डोर्नियर 228 के बारे में। यह एकमात्र ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि भारत में ही मैन्युफैक्चर होता है। डोर्नियर 228 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 1983 से कानपुर में बना रही है और इसका यूज केवल डिफेंस के लिए ही होता था। इस एयरक्राफ्ट की खास बात यह है कि यह 428 किलोमीटर की रफ्तार से 700 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और काफी छोटे रनवे पर भी लैंड या टेक ऑफ कर सकता है। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि डोर्नियर 228 जो कि भारत में बनता है, उसको अब यूरोप में भी उड़ने की परमिशन मिल गई है। मोदी सरकार के लगातार कोशिशों के बाद DGCA को अब यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी से परमिशन मिल चुकी है, जिसके तहत अब कानपुर में बने ये एयरक्राफ्ट यूरोप में भी उड़ पाएंगे। DGCA के चीफ अरुण कुमार ने कहा कि डोर्नियर का यूज हम यूरोप में कमर्शियल यूज के लिए कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिससे कि डोर्नियर 228 को आम लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप अपना एक लाइक अवश्य दें और चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें।